नमस्कार, मैं हूं इस्माइल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। देश के जनपद बहराइच मटेरा चौराहा दारुल उलूम बुलबुले हिंद मस्जिद के पास खड़े हुए हैं। यहां पर आज हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी बानी तहरीके फरोगे इस्लाम चलाई जा रही है, जिसमें मुस्लिमों को फ़ायदे मिलेंगे, जैसे कि IAS ऑफिसर बनने में मदद करना और बाकी तमाम चीज़ें हैं, उस चीज़ों में मदद करना, सरकारी चीज़ों में मदद करना, मदरसों में मदद करना। हम आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, इस विषय में वो क्या बोलना चाहते हैं। अस्सलामुअलैकुम, जोर से बोला जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ये अर्ज़ करना था कि कहते जो हमारे दरमियान अभी फरोग इस्लाम की बानी हजरत कमर उस्मानी साहब तशरीफ लाए हैं, बहुत खुशी हुई हम लोग को, क्योंकि ये ऑल इंडिया पर काम कर रहे हैं और काफ़ी मदद दिल्ली के मुसलमानों के साथ किया, मुंबई में किया और दीगर जगह बहुत सारी मदद कर रहे हैं। आप अभी लॉकडाउन में बहुत सारे मसाजिद में आइमा हजरात को जब तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी, वहाँ पर आपने करीब 200 से ज़ायद मुसलमानों को आपने खुद तनख्वाहें दी हैं और ऐसे मुसलमानों को मदद कर रहे हैं जो गरीब हों, क्या काम नहीं कर रहे हैं जी। और साथ ही साथ इसके साथ में बहुत सारे शोबे जात में आप काम कर रहे हैं, तो और बाकी आप उनके खुद आप इसे सुनेंगे आगे। हजरत, इस संस्था से आप लोग भी जुड़ रहे हैं या जुड़ना चाह रहे हैं या जुड़ चुके हैं? अभी आज ही पहली मीटिंग हुई हजरत जी की, सदर ने अपनी तहरीक और मूवमेंट के हवाले से हम लोगों को बताया, इसके अकराज क्या हैं, इसके मकासद क्या हैं, तहरीक के ज़रिए कौन कौन से काम अंजाम दिए जाएंगे। हम लोगों ने सुना, हजरत की बातें बहुत अच्छी लगी, कौम के हवाले से हजरत के नज़रियात बड़े प्यारे लगे, तो हम लोगों ने आज ज्वाइनिंग ली है, इस तहरीक से जुड़े हैं। अब इंशाअल्लाह रहमान आगे चल करके हम लोग एक हौसले के साथ, हिम्मत के साथ इंशाअल्लाह काम करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ और लोगों को जोड़ा जाएगा, मुस्लिम तबका को, जैसे कि मान लीजिए कि सभी तबकाओं के लिए मदद है कि कौन मुस्लिम तबकाओं के लिए? नहीं, सिर्फ केवल मुस्लिम समाज के लिए सिर्फ नहीं है ये तहरीक, तो यानी हक की आवाज़ उठाने, यानी दिल्ली में जो मदद किया गया, आपके कहने का मतलब है हजरत जो मदद वहाँ दिल्ली में किया था वो जात पात को देख कर मदद नहीं किया? नहीं, था जात पात देख करके मदद नहीं की गई है, मदद इस एतबार से की गई है कि अगर किसी मजबूर को, लाचार को सजाया जा रहा है, यानी हक के खिलाफ, कानून और आईन हिंद के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाती है यह संस्था। और वो कोई भी धर्म या समाज से ताल्लुक रखता हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसके खिलाफ अन्याय हो रहा है तो ये तहरीक उस व्यक्ति की मदद हर प्रकार से, आपके कहने का मतलब आप लोग बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे, मदद करेंगे उस व्यक्ति का? बिल्कुल बिल्कुल, हर तरह से अब तैयार रहेंगे हम लोग और हर मजलूम तक हम लोग मदद पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारा नाम है मोहम्मद रहीस खान और हजरत से मिलकर मुझे बड़ी, किस जगह के निवासी हैं आप? हम चका शंकरपुर जी, चक्का गांव के संगठित चौराहा के साथ रहते हैं सर, और हजरत से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और यही सोच, यही समझ सकता होना चाहिए भाई कि हक और नाहक का जो कोई गलत काम कदम उठा रहा है उसका हजरत मदद करेंगे और हजरत क्या हर कोई मदद करे तो बेहतर है, जैसे कोई नाजायज कर रहा है हम ही कर रहे हैं। ये टीम गठित होने के बाद में यहाँ कोई ऑफिस बनेगी या इसे? ऑफिस बनाई जाएगी, धीरे धीरे लोगों का मिलना जुलना होगा, हक और नाहक मालूम पड़ेगा तो हर किसी को अच्छा लगेगा, वहाँ जाके बैठेगा और जायज नाजायज जो बात होगी तो सबको अच्छा लगेगा, इस वजह से ये टीम बन रही है।